उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में अनूप सिंह जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत महासभा द्वारा पिपरा कला बहादुरपुर में प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के द्वारा छठ पूजा को देखते हुए साफ सफाई की गई। अनूप सिंह ने कहा कि हर जगह साफ सुथरी रखे ताकि किसी प्रकार की कोई गंदगी ना हो और साफ सफाई से हमें ही फायदा होगा। करना चाहते हैं अनूप सिंह जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत बलिया जी, यहाँ का क्या मामला है? देखिए प्रकरण यहाँ स्वच्छ भारत मिशन को लेके ग्रामीणों में एक चेतना का अभाव है, जो कि भारत निर्माण समिति के लोगों द्वारा जो अलख जगाई गई है उसके प्रति इस गांव के नौजवानों का एक जागरूक अभियान है जी। और उस जागरूकता के तहत भाई राकेश सिंह जी, राजेश सिंह जी और ग्राम प्रधान भी मेरे बगल में हैं, आप लोगों ने यह ठाना है कि स्वच्छ भारत मिशन में भारत संपूर्ण भारतवर्ष में इस गाँव को जो है प्रथम स्थान पर हम लोग लाएंगे जी। हम एक बात जैसे योगी जी तो घोषित कर दें कोई भी गांव में महिलाएं बाहर नहीं निकलते हैं, परंतु यहां देखने की वो लगता है तो महिलाएं बाहर भी निकल रही हैं। देखिए हम लोगों के मध्य में एक माता जी भी हैं और आप और रोजगार सेवक प्रधान जी और स्वच्छताग्राही तथा गांव के नौजवान जितने भी हैं सब लोग दृढ़ संकल्पित हैं कि जन जागरूकता के माध्यम से महिलाओं को घर में शौचालय के प्रयोग के लिए उनको प्रेरित किया जाएगा। और रही बात थोड़ी सी जो रोड की अव्यवस्थाएं हैं वह यहाँ के स्वच्छताग्राही और स्वच्छ सफाई कर्मियों की लापरवाही है। और एडीओ पंचायत जो कि संपूर्ण रूप से इस गांव को ODF घोषित कर भी चुके हैं और सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि उनके द्वारा इस गाँव का कभी निरीक्षण नहीं किया गया है, यह बात ऊपर स्तर तक उठाई जाएगी और स्वयं से प्रेरित होकर यहाँ एक अलख जगाई जाएगी कि गांव में स्वच्छता की बहार बहे, स्वच्छ भारत मिशन को यहां से बल प्रदान हो और यह गांव प्रथम पायदान पे जनपद में पुरस्कृत होने का प्रयास होगा। यहां कहा गया छठ भी मनाया जाता है जी। तो यहां गंदगी की भरमार है, यहां कैसे छठ होगा? देखिए मैंने कहा सफाई कर्मियों की यह नैतिक जिम्मेदारी है, अगर वो अपने नैतिक जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं तो प्रधान जी जैसे हैं आपने कहा कि हम लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी है, तो संपूर्ण गांव के लोग मिलकर इस पर्व के लिए एक सफाई अभियान चलाएंगे जो कि अभी शुरुआत की जाएगी, उसको आप उसका भी देख सकते हैं श्री गणेश किया जाएगा। रन फॉर यूनिटी के पश्चात इस कार्यक्रम को रखा गया है और जहां तक सफाई की बात है जब तक जन जागृत के माध्यम से संपूर्ण लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक एक बड़ा अभियान नहीं चलाया जा सकता है। कागज़ में नहीं उसको धरातल पर दिखाने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है और ऐसा होगा भी और हमें पूर्ण विश्वास है कि यह गाँव प्रथम पायदान पर अपना स्थान स्थापित करेगा जी। यहाँ किस प्रकार की सफाई अभियान चल रहा है? देखिए रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के बाद हम लोगों ने तय किया कि पिपरा पट्टी जो आपसी सौहार्द और प्रेम के लिए तथा जनसेवा के लिए जाना जाता है वहाँ से स्वच्छ भारत मिशन में मिलके एक नया अध्याय जोड़ा जाए। भारत निर्माण समिति के लोग जो यहाँ की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं सर लोगों ने सहयोग किया और छठ घाट का पूरे गाँव के नौजवानों के साथ चेतनायुक्त लोगों के साथ एक अभियान चलाया गया और यह प्रतिज्ञा ली गई कि हम स्वयं एक दूसरे को प्रेरित करते हुए इस भारत के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। बता दीजिए। मैं राकेश कुमार सिंह पिपरापट्टी बोहरा पुगन एक नागरिक हूँ जी। क्या मामला है गाँव का, क्या है लिखते हैं? मामला ये है कि मैं पिछले 4 सालों में ग्राम प्रधानी से कोई कार्य नहीं हुआ है इस गाँव में। 100 मीटर बस रोड बना इस गांव में, 3 लोगों का आवास मिला है, उसके बाद कोई कार्य नहीं हुआ। थोड़ा आप गांव में शौचालय कितना मिला है घुमाइए ना आप। बताइए आगे क्या, आगे बताइए शौचालय कितना बना है? शौचालय तो बना नहीं है, एक भी नहीं बना है इस मतलब किसको दिया गया है जो प्रधान जी बताएंगे। कुछ नहीं काम नहीं बना है, जो शौचालय बना है वो पिछले प्रधान में ही बना था। और कुछ मान लीजिए इन पर इनको आरोप जो लग रहे हैं वो मानते हैं सही है? एकदम सही है, आप नेट पर भी खोल के देख लीजिए, सभी रोड का पैसा उतर गया है। 60,000 रुपया मच्छर के नाम, मच्छर मारने की मशीन जो आती है उस पर पैसा उतारा गया है, हर रोड पर पैसा उतर लिया है, लेकिन कोई काम नहीं। थोड़ा रोड की तरफ थोड़ा कैमरा घुमाइए, आप देख लीजिए स्थिति क्या है। देखिए पिछले 25 साल से जो भी प्रधान हुए हैं बीच में कोई स्पिरिट नहीं बिछवाया है। ये तो बात फिर एक नंबर की बात बन गया।